Bismillah Rahmanir rahman rahim Allahumma salli ala syyidina mu'mina muhammadi alaykum. Welcome to the online classes of Twisner Public School and College Sahiwal. I am Sara Khan, your computer teacher. Message of the day. Do what is right, not what is. ईज़ी हमें हमेशा वो करना चाहिए जो सही है कुछ ऐसे काम जो आसान तो होते हैं देखने में लेकिन वो सही नहीं होते हमें कभी भी वो काम नहीं करने चाहिए हमें हमेशा वो ही करना चाहिए जो राइट हो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिक्स्थ चैप्टर ऑफ योर कंप्यूटर बुक ड्राइंग इन पेंट आउटलाइन फर्स्ट ऑफ ऑल We discuss different tools that we used. <coughs> Outline. We discuss different tools of drawing. The first one is curve tool, second one shape screw, third one polygon tool, and the last one is eraser tool. Drawing in paint. It's the window of your paint program. When you open the paint software from your computer, this type of windows appear on your computer screen. Okay, now we are going to discuss different tools of your drawing window one by one Curve tool. कर्व टूल इज यूज टू ड्रॉ कर्वड लाइन जैसे कि इसके नेम से आपको समझ आ रही है कि जो कर्व टूल है वो किस लिए यूज होता है जब आपने कर्व लाइन ड्रॉ करनी होती है तो आप क्या करते हो कर्व टूल यूज करते हो अपने पेंट के टूल्स में से कर्व टूल को यूज करते हुए आप एक कर्ड लाइन ड्रॉ करते हो ये देखें ये क्या है कर्व टूल कर्व टूल किस लिए यूज होता है ये आपकी एक कर्व लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज होता है ठीक है ये देखें यहाँ पे आपने जाके इसको कर्व टूल को सिलेक्ट करना है जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे ड्रॉ करेंगे तो एक कर्व लाइन ड्रॉ हो जाएगी अब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि आप कर्व टूल को किस तरह से अपने पेंट में ड्रॉ कर सकते हो How to draw टू ड्रॉ with curve कर्व टूल आपके पास ये पेंट की विंडो ओपन है आपने इस पे किस तरह से अपना कर्व टूल यूज करते हुए कर्व लाइन ड्रॉ करनी है ठीक है थीके? सबसे पहले आप यहाँ पे कर्व पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप ट्रैक करेंगे माउस को और आप उसको थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करेंगे और थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे जिस शेप का आपने कर्व ड्रॉ करना होगा आप उस लाइन से वैसा ही कर्व ड्रॉ कर लेंगे ये देखिए आपने लाइन ड्रॉ की उसके बाद आपने उसको कर्व की शेप दे दी ठीक है तो ये क्या हो गया कर्व लाइन ड्रॉ हो गई ये देखें सबसे पहले आपने लाइन ड्रॉ की और उसको शेप दे दी एक कर्व की इस तरह से आप कर्व लाइन ड्रॉ कर सकते हो, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, शेप्स ग्रुप शेप्स ग्रुप ग्रुप बेसिकली डेट कॉन्सिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स डेट यू कैन यूज इन योर ड्राॅइंग शेप ग्रुप इन पेंट टू ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडीमेड शेप्स लाइक रेक्टेंगल्स इलिप्सिस रेडीमेड प्रोवाइड करते हैं जिसको आप यूज करते हुए अपनी ड्रॉइंग में डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर सकते हो ये देखें ये क्या है ये शेप्स ग्रुप है आपके पास ये वाला जो ग्रुप है इसको क्या कहते हैं ये देखें ये ग्रुप है शेप्स यहाँ पे आपको रेडीमेड शेप्स मिलती हैं जिसे आप यूज करते हुए डिफरेंट टाइप की शेप्स ड्रॉ कर सकते हो देखो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की शेप्स मिल रही हैं आप ट्रा ड्रॉ कर सकते हो ये भी ट्राइंगल है आप डायमंड की शेप ड्रॉ कर सकते हो स्टार सर्कल जो भी शेप आपने ड्रॉ करनी है आप जस्ट क्लिक करोगे इस शेप पे और अपनी स्क्रीन पे उस माउस को ड्रैग करोगे तो आपके पास वो शेप जो है वो ड्रॉ हो जाएगी पॉलीगॉन टूल वॉट इज पॉलीगॉन टूल द पॉलीगॉन टूल इज यूज टू मेक अ कस्टम शेप विद एनी नंबर ऑफ साइड पॉलीगॉन टूल जो है वो आपको एक कस्टम शेप क्रिएट करने में हेल्प करती है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स जो है वो स्पेसिफिक नहीं होती आपको टूल को यूज करते हुए आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो जिसकी नंबर ऑफ साइड्स आपके पास स्पेसिफिक नहीं होती किसी भी नंबर ऑफ साइड्स को आप ड्रॉ कर सकते हो मतलब एक शेप है उसकी आप नंबर ऑफ साइड्स खुद से डिसाइड करते हो कि आपको कितनी नंबर ऑफ साइड्स की शेप बनानी है ठीक है अब ये देखें आपके पास पॉलीगॉन टूल क्या है पॉलीगॉन टूल आपके पास शेप्स में प्रोवाइड किया जाता है ये जो है ये पॉलीगॉन टूल है आप इसको यूज करते हुए एनी नंबर ऑफ साइड्स की एक कस्टम शेप ड्रॉ कर सकते हो नेक्स्ट देखें हाउ टू ड्रॉ अ पॉलीगोन विद पॉलीगोन टूल अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि आप किस तरह से पॉलीगोन टूल को यूज करते हुए एक पॉलीगॉन ड्रॉ करते हो ठीक है सबसे पहले आपने पॉलीगोन पे क्लिक किया यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ की वहां से आपने जहां पे छोड़ा था वहां से एक और लाइन ड्रॉ की उसके साथ ही आपने एक और लाइन ड्रॉ कर ली मतलब आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको सिलेक्ट करोगे सिंगल लाइन ड्रॉ करोगे जहां पे उसका एंड है वहां से एक और लाइन ड्रॉ करोगे उस एंड से आप न्यू लाइन ड्रॉ करोगे और न्यू लाइन के एंड से आप एक और लाइन ड्रॉ करोगे और एक क्लोज शेप बन जाएगी इसी तरह से आप पॉलिगोन से डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स की एक शेप ड्रॉ कर सकते हो उसकी डिफरेंट साइड्स हो सकती है ओके okay. What वट इज tool? The द tool is used to rub out any part of the picture. आपको पता है रेजर क्या होती है जब आप पेंसिल से लिखते हो अपना काम नोटबुक पे तो कुछ मिस्टेक हो जाती है आप उसको रेज करने के लिए क्या यूज करते हो इेजर टूल इसी तरह से जब आप पेंट में ड्रॉइंग करते हो तो आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक को रिमूव करने के लिए या रब करने के लिए आप क्या करते हो इरेजर टूल को यूज करते हो ये देखें ये जो आपके पास पेंट के डिफरेंट मेन्यूज हैं इसमें आपके पास इरेजर भी होती है ये देखें ये इरेजर है पिंक कलर की जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो रेजर सेलेक्ट हो जाती है और अगर कोई मिस्टेक हो गई आपकी ड्राइंग में तो आप इसको सेलेक्ट करते हो और उस ऑब्जेक्ट पे ड्रॉ करते हो जहां पे मिस्टेक होती है तो वो इरेज हो जाता है अब इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे हाउ टू यूज इरेजर टूल रेजर टूल को कैसे यूज करना है सबसे पहले आपने कुछ भी पेंसिल को सिलेक्ट करके ड्रॉ करना है ठीक है और आपको लगा है कि ये मिस्टेक हो गई है आपने फिर रेजर सिलेक्ट की इरेजर को सिलेक्ट करने के बाद आपने उस पेंसिल से जो भी ड्रॉ किया था उसके ऊपर ऊपर आपने रेजर को ड्रैग करना है जैसे जैसे आप रेजर को उस राइटिंग के ऊपर मूव करोगे वो रेज होता जाएगा ठीक है इसलिए हम रेजर को किस लिए यूज करते हैं कुछ भी रेज करने के लिए understand it's time of home assignment draw the shapes of these tools ye aapki home assignment hai aapne इस question को apne class work notebook पे write karna hai आपने क्वेश्चन लिखना है ड्रॉ द शेप्स ऑफ दीज टूल्स उसके बाद आपने इन शेप्स के नेम लिखने हैं कर्व टूल पॉलीगॉन टूल एंड इरेजर टूल और ये किस तरह के दिखते हैं इनकी शेप कैसी होती है आपने वो शेप्स इसके नेम के सामने ड्रॉ करनी है ठीक है आपने ये थ्री नेम्स लिखने हैं और कर्व टूल कैसी दिखती है आपने वो यहाँ पर ड्रॉ करनी है उसके सामने पॉलीगॉन टूल के सामने पॉलीगॉन टूल और इरेजर टूल के सामने इरेजर टूल अंडरस्टैंड Thank you so much. Allah Hafiz and take care of yourself.